भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे मैच वेलिंगटन में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 25 रनों से हराकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। गौरतलब है कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 49.5 ओवरों में 252 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अंबाती रायड्डू ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 90 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। आखिरी में हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी पारी खेलते हुए मात्र 22 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 45 रनों की धुआंधार पारी खेली। भारत से मिले 253 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 227 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन विलियमसन ने 10 रन बनाए। अंबाती रायड्डू को मैन ऑफ द मैच चुना गया तो वहीं मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। रोहित शर्मा ने ऐसा कहकर जीता करोड़ों लोगों का दिल। जीत पर कहा ये सब रोहित शर्मा ने ऐसा कहकर जीता करोड़ों लोगों का दिल। जीत पर कहा ये सब रोहित शर्मा ने कहा, खासकर हैमिल्टन के हारने के बाद हमारे लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था कि हमने वहां क्या खोया। टॉस में मैंने कहा कि हमें एक टीम के रूप में साथ आने की जरूरत है और हमने ऐसा किया। 4 विकेट गिरने के बाद हमें साझेदारी की जरूरत थी और रायड्डू और विजय शंकर ने ऐसा किया। हार्दिक और केदार के खेलने का तरीका शानदार था। हमने बहुत से ही शानदार प्रदर्शन दिखाए, गेंद और बल्ले दोनों के साथ भी। अंत में ओस के साथ विकेट सपाट हो गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह एक आसान पीछा होगा, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, मैच में हमें बनाए रखा और अंततः जीत हासिल हुई। मुझे पता था कि पिच में कुछ नमी है, यदि श्रृंखला रेखा पर होती तो मैं दूसरे स्थान पर होता। शुरुआत में 4 विकेट बनवाने के बाद आसान नहीं था। उस पिच पर थॉट 250 बहुत अच्छा स्कोर था। महत्वपूर्ण समय में गेंदबाजों को महत्वपूर्ण सफलता मिली। जब आप गेम जीतना चाहते हैं तो आपको सही संतुलन ढूंढना होगा। यहां आकर न्यूजीलैंड को घर पर हराना आसान नहीं था। आज हमारे पास जो उपलब्धि है वह एक बड़ी उपलब्धि है।